Welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel. And yes, my dear students, the session have been started. Quickly get connected. अपने friends को link share कर दीजिए. आज आधा घंटा delay है हमारी train, but चल तो रही है. तो उसी तरीके से आपकी preparation भी चलती रहेगी और examination mains का result का इंतजार हो रहा है. हम सब जानते हैं कि कब आएगा prelims का result, कब आएगा clerk का, PO का. सबको साइड में रख दो, अपनी प्रेपरेशन को कंटिन्यू रखो, क्योंकि कल भी हमने बताया था कि होता क्या है रिजल्ट आने के बाद. तो उन सभी चीजों को, बातों को ध्यान में रखें, अपनी प्रेपरेशन में कोई भी कमी ना आने दें. NIACL का भी वैकेंसी आ चुकी है, तो NIACL के लिए भी आपको फिल आउट करना ही है. एंड यस, जैसा कि हम बार बार कहते हैं कि ये सारा कंटेंट एंश्योरेंस लेवल के एग्जामिनेशन के लिए भी जरूरी है, राइट. तो चले शुरू करते हैं आज के सेशन को. आज हमने रखा है आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट, स्कोर 20 out of 20, मतलब 20 क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं, किस किस टॉपिक से हो सकते हैं और कितना आप स्कोर कर सकते हैं. बीच बीच में एक टेस्ट होना ही चाहिए, ठीक है. तो चलो आगे बढ़े सेशन की तरफ. एंड कमेंट बॉक्स में भी अगर देखे, बट बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग हम कैसे भूल गए. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स, व्यूअर्स, एस्पायरेंट्स. तो गेट रेडी, पेन पेपर साइड में रखो. और पेन पेपर साइड में रखने के साथ ये ध्यान रखना कि अगर जरूरत पड़ती है तो यूज करें, वरना क्वेश्चन पोरली सॉल्व करें. आने वाले दिनों में मेंस के लिए हम कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ेंगे कि पेपर को देख के आपको ये लगे कि अरे ये पढ़ लिया होता तो आ जाता, ये कर लिया होता तो बन जाता. तो ये कुछ भी नहीं होगा. सो लेट्स मूव ऑन टू द सेशन. स्क्रीन को जूम इन करते हैं. Quickly be excited for the session, क्योंकि आपको पता है कि आज कुछ ज्यादा अच्छा धमाका होने ही वाला है. 20 out of 20 स्कोर, 20 out of 20 का स्कोर आप सभी का टारगेट है, ठीक है. तो आप सभी 20 out of 20 स्कोर करें, ये हमारी उम्मीद है और यही हमारी विश है. This is not a paid video. शुभम आपके लिए महिंद्रा गुरु फ्री क्लासेस करता आया है और आगे भी फ्री क्लासेस ही करता रहेगा, क्योंकि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है, ये बात आप जानते हैं, ठीक है. तो चलो आगे बढ़ते टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. गेट रेडी, क्योंकि अब यहां पे आ जाएगा आपका क्वेश्चन. सो फोकस करना, टाइमर लगा हुआ है, टाइमर लगा हुआ है 1 मिनट का भी, 30 सेकेंड्स का भी और 2 मिनट्स का भी. तो बात कुछ समझ आई. 1 मिनट का है, 30 सेकेंड का है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि डायरेक्टली आप सॉल्व कर पाएंगे. इसके अलावा 2 मिनट का है, दैट सजेस्ट कि अरेंजमेंट का क्वेश्चन भी होगा. अब वो अरेंजमेंट आपका सीटिंग अरेंजमेंट हो सकता है, वो अरेंजमेंट आपका पजल हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है. तो चलो बेस्ट ऑफ लक. 20 out of 20 हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं और पूरी विश कर रहे हैं और हम यहां से पॉजिटिवली आपके लिए सोच रहे हैं. बस आप कोशिश करना कि हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करें, ठीक है. तो चले आगे बढ़ते हैं टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. हियर कम्स द फर्स्ट वन ऑन द संडे, सैटरडे मॉर्निंग फॉर यू ऑल. द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ कोडिंग डिकोडिंग, 1 मिनट का टाइम टू अंडरस्टैंड. लास्ट 20 सेकेंड स्टूडेंट्स. ओके एंड डन डनाडन तो आना शुरू हो गया है, टाइम भी अप हो गया है. सुरभि चौहान ने कहा है अ सिंपल वन. संजय मेहर ने पैटर्न शेयर किया है, नंबर सेकंड लेटर. ओके, तो जिग्नेश ने कहा है 6T16 जो है वो सक्सेस का है. तो हम जानना चाहेंगे कि कैसे और कहां से आया 6T16. कॉमन लेके अगर कर लिया है तो ये ध्यान रखना
एटीट्यूड भी कॉमन है मिस्टर मेहर, आप ये चीज ध्यान रखें कि अगर आपने कॉमन लिया है कि सक्सेस यहाँ है सक्सेस यहाँ है, तो ये ध्यान रखो कि एटीट्यूड और एटीट्यूड भी कॉमन है एंड साइड बाय साइड विथ भी कॉमन है, ठीक है? तो अगर आपने कॉमन लेके किया है तो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, बाकी सभी का जो डन आ रहा है और कुछ लोगों का नहीं हो रहा है, श्री कृष्ण महाराणा नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। किशन श्रीवास्तव ने कहा है वॉवल लेटर, अच्छा, पर जॉयदीप ने मे भी शायद सही कहा है फर्स्ट प्लस लास्ट लेटर एडिशन। सरिता ने ब्रेक कर लिया है सक्सेस का 38U14, वेरी नाइस। मुदित, सोना, सुशावन, देन नेहा, तनु, एवरीबडी पैटर्न शेयर कर रहे हैं, बहुत अच्छा। सेकेंड लेटर के बेस पे ही कर दिया, ओके। सक्सेस विद एटीट्यूड कॉमन है, बिल्कुल प्रज्ञा बात सही है। अब देखो हो क्या रहा है, आप सभी ने कुछ कुछ क्रैक किया, कुछ कुछ नहीं समझ में आया, तो हम देख लेते क्या है एक्चुअली हो क्या रहा है, जरा ध्यान देना। आपके पास एक वर्ड है सक्सेस, अभी हम सक्सेस से ही ब्रेक करते हैं, ठीक है? फिर हम क्वेश्चंस की तरफ चले। अब सक्सेस का सेकंड लेटर यू जो कि हमें यहाँ पे दिख रहा है, अच्छा सेकंड लेटर लेने का दिमाग में इसीलिए भी आया क्योंकि देखो विथ का आई है और यहाँ पे हमें आई दिख रहा है, नेगेटिव का ई है और यहाँ पे हमें ई दिख रहा है, और वही एटीट्यूड का टी है तो यहाँ पे हमें टी दिख रहा है, राइट? तो सेकेंड लेटर लिया जाए ये दिमाग में आता है बिल्कुल, तो हम ले लेते हैं सेकेंड लेटर बीच में। अब इसके बाद जो फर्स्ट लेटर की प्लेस वैल्यू है दैट इज 19 और जो लास्ट लेटर की प्लेस वैल्यू है 19, जब आप इन दोनों को ऐड करो 19 प्लस 19 तो आपको मिल जाता है 38 जो कि यहाँ यू के साथ लगा हुआ है, क्योंकि जब हमने लेटर रिकॉग्नाइज कर लिया तब नंबर्स के रिकॉग्निशन में ही दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि यू के साथ अगर 38 है तो 38 कैसे आए, 38 आ सकता है 19 2 जा, और 19 2 जा करो, या तो फिर आप ये करो कि फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर का एडिशन कर दो, बाकी में भी यही चीज हो रही है। 38 हमें मिल गया, अब इसके बाद जो है आपका 14, तो अब 14 कैसे आए, तो 14 आया नंबर ऑफ लेटर्स इंटू टू, ठीक है? नंबर ऑफ लेटर्स इंटू टू मतलब कि सक्सेस में नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो नंबर ऑफ लेटर्स इंटू टू, तो 7 2 14, तो यहां देखो हमें मिल गया ना 38U14, बात समझ आ गई? तो इतना इजी था, देखो समझ में आ जाए तो इजी, ना समझ में आए तो डिफिकल्ट, यही है एक्चुअली न्यू पैटर्न कोडिंग का कंसेप्ट। अब वही चीज आप विथ के साथ चेक कर लो, तो विथ की बात करें सेकेंड लेटर आई है, W की प्लेस वैल्यू 23, H की प्लेस वैल्यू 8, तो जब आप इसको ऐड करोगे 23 और 8 को तो ये दे देगा 31, और फिर नंबर ऑफ लेटर्स 1 2 3 4, 4 2 8, तो देखो 31 I 8, क्लियर? तो ये जितने लोगों को समझ में आया वेरी गुड, जितने लोगों को नहीं समझ में आया एटलीस्ट आपने कोशिश करी और कुछ तो ब्रेक किया। रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करो, बनेगा सब कुछ, ठीक है? आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट देख लेते हैं, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। ओके, आई का कोड होता है 9 और एस का कोड होता है 19। कुछ लोगों का कहना है कि इसका कोड गलत है, इसका कोड गलत नहीं है, हम आपको चेक करके बता देते हैं। देखो आई एस इज, अब इस में ओके यहाँ पे एस होना चाहिए, ये हम कह देते हैं यहाँ पे एस होना चाहिए, ठीक है? तो ये हो गया आपके साथ, क्लियर? तो बात निकल आई, बात बिल्कुल निकल आई, तो आगे बढ़े, देखे टू द नेक्स्ट वन क्या है क्या नहीं है, बनता है कि नहीं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, टू वर्ड्स द क्वेश्चन, 30 सेकेंड्स, हियर यू गो। चलो टाइम आप एंड यस अक्षय, वेरी गुड मॉर्निंग, और अक्षय ने अपने नाम का ही कोड ब्रेक कर लिया, सो वेरी गुड वेरी गुड। देखो इसी तरीके से आपको इंटरेस्ट लेते हुए ही सब कुछ करना पड़ेगा, तब कहीं जाके आप एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से तैयारी कर पाओगे। तो चलो ऑप्शन नंबर 5 आ रहा है कमेंट बॉक्स में, दैट इज अ नाइस पार्ट, ऑप्शन नंबर 5 8H12। तो सिंपल है,
सी का प्लेस वैल्यू हो गया 3, ई का प्लेस वैल्यू हो गया 5, दोनों को ऐड कर दिया तो मिल गया 8। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग किया जा सकता है, तो पहला तीसरा और चौथा कैंसिल हो गया। सेकेंड लेटर एच है, तो आप ये देखो यहाँ पे एस है और यहाँ पे एच है, तो मान गए हम कि 8H12 इज द राइट आंसर। और 12 भी सही है कि नहीं, तो 1 2 3 4 5 6 6 2 12, सो यस 8H12 इज द राइट आंसर। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2, 30 सेकेंड्स क्विकली। गुड गोइंग स्टूडेंट्स, क्विकली क्विकली सॉल्व द क्वेश्चन एंड प्रोवाइड आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, एंड यस 30 सेकेंड्स आर मोर देन इनफ टू ब्रेक। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर 2, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। द का निकालना है, सी का प्लेस वैल्यू 20, ई का प्लेस वैल्यू 5, एड कर दिया तो मिल गया 25। सेकेंड लेटर एच हो गया और 3 2 6 हो गया, तो 25H6। अब 25H6 यहाँ नहीं है, 25H6 यहाँ नहीं है, 25 यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो एक सिंगल वर्ड के ब्रेकेट से हम आंसर निकाल सकते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। लेकिन बाकी वर्ड्स का भी यही आएगा, सी की प्लेस वैल्यू 3, ई की प्लेस वैल्यू 5, तो 3 और 5 हो गया 8। सेकेंड लेटर आर, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 2 16, ठीक है। प्रोसेस की बात करें, पी का 16, एस का 19, तो जब आप 19 और 16 को ऐड करोगे सो दैट विल गिव यू ऑल 35, राइट, सो 35। अब 35 के बाद सेकेंड लेटर आर हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 2 14, राइट, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट वन। देखो एक क्वेश्चन आया है मनीष गरकोटी का कि प्लेस वैल्यू कैसे याद रखें, तो देखना बाकी सभी भी। प्लेस वैल्यू के लिए आप एक वर्ड याद रखो, इजोटिक, ठीक है। ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है, जे की 10, ओ की 15, टी की 20, वाई की 25। जब आपको इजोटिक याद है तो ओ के आसपास के लेटर्स की प्लेस वैल्यू आप रेक्टिफाई कर सकते हो, ई के याद है तो ई के आसपास की रेक्टिफाई कर सकते हो, तो बस प्लेस वैल्यू को आप इजोटिक से याद रख सकते हो। इसके अलावा ऑपोजिट लेटर्स, तो ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का भी, ऐसे 4 से 5 बार लिखो, सब याद हो जाएगा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3, 30 सेकेंड्स क्विकली। चलो टाइम अप, एंड आंसर है यहाँ पे, बिल्कुल आप सिफी लोरक से भी याद रख सकते हो, सी एफ आई एल ओ आर यू एक्स, क्योंकि वहां पे 3 का टेबल यूज होता है, पर सिफी लोरक सी एफ आई एल ओ आर यू एक्स 5 8 लेटर, और इजोटी में ई जे ओ टी वाई 5 लेटर, तो जिसमें भी आपकी फिजिबिलिटी है वो आप याद रखें। शुड का देखे, ऑप्शन नंबर 4 है, सो ऑफ कोर्स एस की प्लेस वैल्यू 19, डी की प्लेस वैल्यू 4, एड किया जब आपने यहाँ पे, तो 19 और 4 दे दिया आपको 23, सेकेंड लेटर हो गया एच, तो बस इतने से ही ब्रेक कर दो, बाकी सारा आगे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी 6 लेटर्स है, तो 6 2 12, सो दैट इज 23H12 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, हियर यू गो, 30 सेकेंड्स। विद इन टाइम आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में, वेरी गुड वेरी गुड। चलो टाइम अप है, और टाइम अप के बाद आंसर अगर देखे तो अ गुड एफर्ट फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स, ऑफकोर्स ये कहना सही होगा, ऑप्शन नंबर 1
ऑप्शन नंबर वन का मतलब हुआ कि 19E14 लीविंग की बात हो रही है, तो L की प्लेस वैल्यू 12, G की प्लेस वैल्यू 7, 12 और 7 को ऐड किया तो ये 19, सेकेंड लेटर E, अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 2 14, तो 19E14 इज द राइट आंसर, बिल्कुल 19E14 ऑप्शन नंबर वन। देखो वो ऊपर से नीचे खिसक जाता है पर ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर, ठीक है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट वन, बिल्कुल सही। चलो क्वेश्चन नंबर 5, हियर यू गो, 30 सेकेंड। बिल्कुल जीवराज पायक ने सही कहा कि एक बार ब्रेक होने के बाद तो 5 सेकेंड में सॉल्व हो जाता है। संजय मेहर, इट इज वेरी रिक्वायर्ड कि सबको समझ में आए, इसीलिए हम समय लेते हैं, ठीक है। चलो टाइम अप हो गया है, ऑप्शन नंबर 5, स्विच ऑफ लाइट्स। अब स्विच में एस का 19, एच का 8, 19 और 8 को ऐड किया तो दे दिया 27, सेकेंड लेटर W है तो बस इसी से ही निकाला जा सकता है क्योंकि 27W यहाँ भी नहीं है, 27W यहाँ भी नहीं है, 27W यहाँ भी नहीं है, 27W सिर्फ लास्ट में है, तो ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर। लेकिन फिर भी पूरा ब्रेक कर लेते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये हो गया 12। ऑफ की बात करें तो O की प्लेस वैल्यू 15, F की प्लेस वैल्यू 6, तो ये हो गया आपका 15 और 6, 21, सेकेंड लेटर ऑफ हो गया, 3, 2, 6 हो गया, ठीक है। लाइट्स की बात कर ले तो L की प्लेस वैल्यू 12 होती है, S की प्लेस वैल्यू 19 होती है, तो 12 और 19 को जब आप ऐड करोगे तो ये दे देगा 31, 31 के बाद I आ जाएगा और उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 2, 12, राइट। अब जरूरी नहीं है कि एक ही सीक्वेंस में हो, ठीक है, तो इसीलिए 27W 12 21F6 और इस तरीके से ये आगे पीछे अपनी पोजिशन बदल सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिलोजिज्म का है बट हियर समथिंग डिफरेंट यू हैव टू सॉल्व। तो एक बार जरा इंस्ट्रक्शन पे ध्यान देना, 6 से लेके 10 तक अब सिलोग के क्वेश्चन होंगे और उसके बाद फिर पजल टाइम, बिल्कुल शिनचान पजल टाइम, अरेंजमेंट टाइम इन 5 क्वेश्चंस के बाद होगा। रीजनिंग के और सेशन हम लेंगे, बिल्कुल लेंगे, डू नॉट वरी, पर अभी फिलहाल फोकस ऑन द इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 6 स्टेटमेंट फॉलोड बाय 5 कंक्लूजन, मतलब कि 6 स्टेटमेंट है और उसके बाद उनके 5 कंक्लूजन है। एक बार इंस्ट्रक्शन ध्यान से समझ लेना, फिर बोला है consider the given statements to be true even if they seem to be at variance with commonly known facts, ठीक है, facts मानना है किसको, statement को, read all the conclusions and then decide which of the conclusion definitely does not follow, दिए गए कथनों से निश्चित रूप से अनुसरण नहीं करता। Now this is the star factor of this question कि आपको अनुसरण नहीं करता नहीं बताना है, आपको निश्चित रूप से अनुसरण नहीं करता ये बताना है। राजलक्ष्मी करेक्टेड, वो डेफिनेटली डज नॉट फॉलो पूछ रहा है, ना कि सिर्फ डज नॉट फॉलो, राइट। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि कांट से वाले कंडीशंस को या कांट से वाले कंक्लूजंस को आप कंसिडर नहीं करेंगे, तो इतना हिंट काफी है। एंड ऑफ कोर्स इन क्वेश्चंस के लिए आपको 30 सेकेंड्स का टाइम ही मिलेगा, सो जस्ट बी वेरी क्विक। स्टेटमेंट इंग्लिश हिंदी दोनों में है, तो जिसमें भी आप फिजिबल हैं उसमें पढ़ें, आंसर करें और फिर बताएं, राइट। सो हियर कम्स द सिक्स्थ क्वेश्चन, 30 सेकेंड्स टू ट्राई। चलो टाइम अप के बाद आंसर है। नाउ दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि डेफिनेटली डज नॉट फॉलो बताना है।
चलो, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो बताना है, और डेफिनेटली डज नॉट फॉलो की बात अगर करें तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ स्टूडेंट जा रहे हैं, आई गेस ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4. सो लेट्स सी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट वन और नॉट. एक क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, बाकी के फिर आंसर्स देखेंगे सही है या नहीं. एंड आई गेस सभी का बिल्कुल जा रहा है ऑप्शन 4, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है. बोला है सम फ्लावर आर क्राउन. सम फ्लावर आर क्राउन, ऑल क्राउन आर किंग, सम किंग आर जंगल, ऑल जंगल आर आउटपुट, ऑल आउटपुट आर ट्रेन, और फिर देखो ऑल फ्लावर आर ब्रेन. ये हो गया आपका वेन डायग्राम. अब इस वेन डायग्राम में अगर देखिए, ऑल आउटपुट आर ट्रेन, ये ट्रेन है, ठीक है, यहाँ पे डू नॉट गेट कंफ्यूज, ये ट्रेन. पूछा है सम किंग आर ब्रेन, तो यस सम किंग आर ब्रेन, ये फॉलो है कि कुछ राजा मस्तिष्क हैं. दूसरे में बोला है सम किंग आर आउटपुट, तो यस सम किंग आर आउटपुट, दूसरा भी फॉलो कर रहा है. अब तीसरे की बात करें तो तीसरे में बोला है सम किंग आर ट्रेन, अब सम किंग आर ट्रेन, तो यस सम किंग आर ट्रेन, बिल्कुल ये भी सही है. अब चौथे में बोला है सम फ्लावर आर नॉट ब्रेन. अब ये बताओ कि जब सारा का सारा फ्लावर ब्रेन के अंदर है, ऑल फ्लावर आर ब्रेन, तो इसपे कुछ भी नेगेटिव फॉलो नहीं होगा. तो ये जो फोर्थ वाला है ये डेफिनेटली डज नॉट फॉलो है, जस्ट पॉइंट टू नोटेड, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो है ऑप्शन नंबर 4. वहीं अगर हम ऑप्शन 5 की बात करें, सम ट्रेन आर क्राउन, ये कांट से है. माय डियर स्टूडेंट्स, ये जितने भी लोग यहाँ पे ये लिख रहे थे कि फोर्थ एंड फिफ्थ, तो फिफ्थ वाला कांट से है और फोर्थ वाला जो है वो डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, राइट. तो ये समझ में आया आप सभी को, और जो गड़बड़ करी वो भी क्लियर हो गया. तो चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7. बट उससे पहले द आंसर डिक्लेरेशन, एंड यस ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. ठीक है, लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 7. टाइम स्टार्ट नाउ. चलो टाइम आप, एंड बिल्कुल माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी इन बातों को समझ गए कि पॉजिटिव के साथ नेगेटिव कभी नहीं जाता, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव कभी नहीं जाता. और हमें अच्छा लगता है आपके कमेंट्स देख के कि आप इन सारी चीजों को प्रैक्टिस करते हैं, वेरी नाइस. ऑप्शन नंबर 5 वंस अगेन. तो चलो क्विकली क्विकली लेट्स सी द वेन डायग्राम. सम मैजिक आर ब्रेन, तो सम मैजिक आर ब्रेन, नो ब्रेन इज एनिमल, नो ब्रेन इज एनिमल, ऑल जनरल आर, हम दूसरी तरफ बना देते हैं तो वहां पे जगह हो जाएगी, वो क्लियर है. सम मैजिक आर ब्रेन, नो ब्रेन इज एनिमल, फिर इसके बाद हुआ ऑल जनरल आर एनिमल, ठीक है, सम जनरल आर ट्रेन, तो सम जनरल आर ट्रेन, नो ट्रेन इज ग्लोब, नो ट्रेन इज ग्लोब, ये हो गया, ठीक है. फिर इसके बाद ऑल ग्लोब आर गोट, तो ऑल ग्लोब आर गोट यहां पे चला गया. अब कंक्लूजन में पूछा है नो जनरल इज ब्रेन, तो नो जनरल इज ब्रेन ऐसा है क्या? नो जनरल इज ब्रेन की अगर हम बात करें तो बिल्कुल, क्योंकि जनरल एनिमल के अंदर है, और अगर जनरल एनिमल के अंदर है और एनिमल ब्रेन नहीं है तो ये हमारा सही हुआ. दूसरे की बात करें तो बोला है सम मैजिक आर नॉट एनिमल, सम मैजिक आर नॉट एनिमल, सो यस ऑफ कोर्स, क्योंकि मैजिक का वो हिस्सा जो ब्रेन के अंदर है वो कभी भी जानवर नहीं होगा. तीसरे में बोला है ऑल ट्रेन बीइंग गोट इज अ पॉसिबिलिटी, तो सभी के सभी ट्रेन के गोट होना एक संभावना है, तो संभावना है. चौथे में बोला है सम एनिमल आर नॉट ट्रेन, अब ये तो कांट से है ना, चौथा वाला जो है ये क्या है, ये कांट से है, ठीक है. और पांचवे में बोला है कि ऑल गोट आर ट्रेन, ऑल गोट आर ट्रेन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि गोट का जो हिस्सा ग्लोब में है वो कभी भी ट्रेन के साथ कोलाइड नहीं करेगा, सो दैट इज वाई ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8. हियर यू गो.
Quickly, quickly, students. चलो टाइम अप एंड लेट मी सी द राइट आंसर. देखते हैं क्या है. ओके कांट से पॉसिबिलिटी होगा. बिल्कुल रोहित पटेल, कांट से पॉसिबिलिटी होगा. ठीक है, अगेन ऑप्शन नंबर 5. ओके सुरभि चौहान, ये टफ नहीं है. द थिंग इज जस्ट इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस एंड नथिंग एल्स. बिल्कुल सिर्फ प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है और कुछ भी नहीं. क्या बोला है? सम कार आर जंगल, नो जंगल इज फ्लावर, ऑल फ्लावर आर डिस्क, नो डिस्क. अब ये डिस्क है, नो डिस्क इज डांस. फिर सम डांस आर जंगल. अब देखो इसको किस तरीके से बनाए. अब इसको जोड़ते हुए कनेक्ट करना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. आप इसको कनेक्ट कर दो वहां पे ऊपर और फिर बना के आगे की तरफ ले जाओ. ये हो गया सम डांस आर जंगल. ठीक है, और ये जो नो था इसको इस तरीके से शो आउट कर दो. और ऑल जंगल आर डबल, तो जंगल का डबल के साथ ये वेन डायग्राम हो गया. दो दो जगह डांस को बनाने की जरूरत नहीं. ठीक है, अब देखे क्या. सम कार आर नॉट फ्लावर, तो सम कार आर नॉट फ्लावर, यस, क्योंकि कार का वो हिस्सा जो यहाँ है वो फ्लावर नहीं है, तो ये सही हो गया. दूसरे में बोला है ऑल जंगल बीइंग कार इज अ पॉसिबिलिटी, सभी जंगल के कार होने की संभावना है. तो सभी जंगल के कार होने की संभावना है ऑफकोर्स, क्योंकि अगर सम है तो ये तो होगा ही. फिर बोला है कि नो फ्लावर इज डबल, ये कांट से. तीसरा वाला क्या है आपका, ये कांट से है क्योंकि यहाँ पे हम कह नहीं सकते कि ये होगा या नहीं होगा. चौथे में बोला है नो फ्लावर आर डांस, अब कोई भी फ्लावर डांस नहीं है, तो ये तो एक फैक्ट हो गया क्योंकि फ्लावर डिस्क के अंदर है, तो फोर्थ वाला इज राइट. ठीक है, अब फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ में बोला है सम डांस आर फ्लावर इज अ पॉसिबिलिटी, तो डांस के फ्लावर होने की संभावना कैसे होगी, क्योंकि अगर ये पॉसिबिलिटी भी बनाएगा तो डिस्क के साथ चला जाएगा, तो इसीलिए फिफ्थ वाला इज द राइट आंसर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9. हियर यू गो. लास्ट 10 seconds. चलो टाइम अप. टाइम अप के बाद आंसर भी आ रहा है. वेरी गुड, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस. लेट मी सी सही है नहीं है. अच्छा कांट से कौन सा है वो भी देखते हैं. रिद्धि कौशिक, रिवर्स सिलॉजिज्म का सेशन हमने कल करवाया है आरआरबी की क्लास में, तो एक बार आप उस वीडियो को देख सकते हैं, और नहीं तो इसमें भी हम बिल्कुल एक बार डिस्कस जरूर कर देंगे. ठीक है, तो चलो लेट सी. ऑप्शन नंबर 1 सभी का आ रहा है, वेरी नाइस. ऑल हॉर्न आर ग्लोब, तो ऑल हॉर्न आर ग्लोब हो गया. सम ग्लोब आर फ्लावर, ऑल फ्लावर आर ट्रेन. अब नो फ्लावर इज फ्लावर के साथ जाना. ठीक है, नो फ्लावर इज लेन. ठीक है, फिर इसके बाद बोला क्या जा रहा है, सम मैजिक एंड ऑल मैजिक आर लेन, तो मैजिक चला गया लेन के अंदर. सम मैजिक आर रिजल्ट इस तरीके से. कॉन्फ्यूजन नंबर 1 सेज कि ऑल ट्रेन आर मैजिक, तो क्या ऑल ट्रेन आर मैजिक है? ऑल ट्रेन आर मैजिक हो सकता है. दैट मीन्स पहला वाला जो है ऑल ट्रेन आर मैजिक हो भी नहीं सकता, क्योंकि ट्रेन का हिस्सा जो है वो फ्लावर से कनेक्टेड है. यस, ठीक है, ट्रेन का जो हिस्सा है वो फ्लावर से कनेक्टेड है, इसीलिए वो ऑल की बात कभी भी नहीं कर सकता, तो ये डेफिनेटली डज नॉट फॉलो हो गया. अब दूसरे में बोला है सम रिजल्ट आर नॉट लेन. अब देखो वैसे तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमें फर्स्ट मिल गया तो आंसर क्लियर है. लेकिन फिर भी अगर आप ये देखो कि सम रिजल्ट आर नॉट लेन, ये कांट से है, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते कि रिजल्ट लेन नहीं है, ये कांट से हो गया. अब दूसरे की बात अगर करें तो बोला तीसरे की सम ट्रेन आर नॉट लेन, तो ट्रेन लेन ये तो फैक्ट हो गया. फिर इसके बाद जो चौथा वाला है सम ग्लोब आर नॉट लेन, ये भी फैक्ट हो गया.
और पांचवा जो है संभावना और प्लान, ये भी कांट से है। तो आपके पास सेकेंड वाला और फिफ्थ वाला कांट से है, बाकी फर्स्ट वाला जो है वो डेफिनेटली डज नॉट फॉलो है। देखो कुछ लोगों को लग रहा है कि फर्स्ट वाला कांट से है, बट माय डियर स्टूडेंट्स एक बात बताओ कि ये अगर कांट से है तब तो फिर ये जो फैक्ट है कि सारा का सारा फ्लैट ट्रेन के अंदर और फ्लैट जो है वो लीन में, ये गड़बड़ा जाएगा ना। तो इसीलिए पहला वाला जो है वो डेफिनेटली डज नॉट फॉलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10, 30 seconds, हियर यू गो। बिल्कुल सुरभि, शैडो का कंसेप्ट भी हम करवा देंगे। क्विकली टाइम अप हो चुका है वैसे तो, और देखें यहाँ पे स्टूडेंट्स के आंसर्स आने भी शुरू हुए हैं कमेंट बॉक्स में। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, ओके। ओके ओके ओके, वन अगेन वेरी गुड, वन अगेन, लेट्स सी, ऑल ट्रेन आर मैजिक, सभी ट्रेन जादू है, मतलब कि ये जो आपका प्रीवियस क्वेश्चन था वही था, लेकिन इस क्वेश्चन की बात करें तो अब आ जाओ कम टू द टेंथ क्वेश्चन। टेंथ क्वेश्चन पे हम आ गए, एंड यस वंस अगेन वन वन, वेरी नाइस वेरी नाइस, नो जेब्रा स्टार इज अ पॉसिबिलिटी, तो बिल्कुल बात सही, क्योंकि जब इसका देखो वेन डायग्राम बनाओगे तो बनेगा ऑल जेब्रा आर फ्रॉग, सम फ्रॉग आर रैबिट, ऑल रैबिट आर स्टार, नो स्टार इज डिजिट, ऑल डिजिट आर क्राउन, एंड नो क्राउन इज बियर। ठीक है, इसी के चलते अगर हम देखें तो ऑफकोर्स ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, और अब हमें लगता है कि अब आप समझ गए कि वो क्या रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब अरेंजमेंट्स के क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि अब बहुत सारे क्वेश्चन अभी सॉल्व कर लिया आपने, सिलॉग का भी कर लिया, कोडिंग का भी कर लिया, सो नाउ इट्स टर्न फॉर अरेंजमेंट, सो हियर वी प्रोसीड टू द वेरी फर्स्ट अरेंजमेंट। हमें हटा दिया जाए स्क्रीन से ताकि स्टूडेंट्स का मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। हम हटे और ये आपका टाइमर स्टार्ट। लास्ट 10 seconds, चलो टाइम अप डन। आया तो है कुछ स्टूडेंट्स का, लेकिन बाकी लोगों का टाइमर का थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, बट यस रश्मि दास का कहना है कि क्वेश्चन ट्रिकी है, तो चलो समझ लेते हैं कंडीशंस क्या है, फिर देखते हैं इसका अरेंजमेंट क्या बनेगा। कंडीशन सेज 8 बॉक्सेस, 8 बॉक्सेस ए बी सी डी ई एफ जी एच,
अरेंज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ व्यवस्थित किए जा रहे हैं। ईच बॉक्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स लाइक पर्पल, पिंक, ब्लू, रेड, व्हाइट, येलो, ब्लैक एंड सिल्वर। ठीक है, जिन जिन का अरेंजमेंट डन हो चुका है वो अरेंजमेंट शेयर करें, और जितने लोगों का हाफ डन हुआ है वो आगे करने की कोशिश करें, और बाकी यहाँ कॉन्सेंट्रेट करें जिनको बिल्कुल भी नहीं बना। ठीक है, चल अब 8 बॉक्सेस हो गए, उनके 8 कलर्स हो गए। अब बोला है कि द बॉक्सेस कंटेन डिफरेंट क्लोथ सच एज शर्ट, पैंट, टी शर्ट, कुर्ता, सूट कोट, जैकेट एंड ट्राउजर। ठीक है, अब उनमें कपड़े भी अलग अलग है, फाइन। आगे क्या बोला है देखो, बॉक्स एफ इज रेड कलर विच कंटेन्स टी शर्ट। तो ये फिक्स हो गया कि बॉक्स एफ जो है वो रेड कलर का है और उसमें टी शर्ट है, लेकिन बॉक्स एफ कहाँ है ये हमें नहीं पता, छोड़ दे अभी इसको। ओनली 2 बॉक्सेस आर बिटवीन बॉक्स सी एंड बॉक्स बी। बॉक्स सी और बी के बीच में 2 बॉक्सेस है। ठीक है, बॉक्स सी इज केप्ट अबव टू बॉक्स बी एंड बॉक्स सी इज केप्ट ईदर ऑन टॉप और बॉटम। ठीक है, मतलब बॉक्स सी जो है वो बी के ऊपर ही कहीं आएगा और सी का प्लेस या तो टॉप पे होगा या बॉटम पे होगा, फाइन। ओनली 3 बॉक्स केप्ट बिटवीन द बॉक्स विच कंटेन्स कोट एंड येलो बॉक्स। कोट और येलो बॉक्स के बीच में 3 बॉक्स होंगे। ठीक है, बॉक्स डी इज ऑफ पिंक कलर विच कंटेन्स ट्राउजर। तो जैसे एफ का फिक्स हुआ, डी का भी फिक्स हो गया। बॉक्स डी इज केप्ट एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड एफ। ठीक है, ए इज ब्लैक कलर, तो ये क्लियर हो गया। बॉक्स ई इज नॉट सिल्वर एंड येलो। बॉक्स ई जो है वो ना ही सिल्वर है ना ही येलो है। ओनली 1 बॉक्स केप्ट बिटवीन द वन विच कंटेन्स जैकेट एंड एफ। ठीक है, बॉक्स सी विच कंटेन्स कुर्ता इज नॉट इन पिंक बॉक्स, फाइन। तो वो तो होगा भी नहीं क्योंकि बॉक्स डी जो है वही है आपके गुलाबी रंग का। ठीक है, फिर देखिए बॉक्स डी इज व्हाइट कलर विच कंटेन्स सूट। 3 बॉक्स बिटवीन ए एंड बॉक्स डी। बॉक्स ए इज केप्ट अबव टू डी। सिल्वर कलर बॉक्स इज केप्ट नेबर टू द वन विच कंटेन्स शर्ट। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है बट इजी है। कैसे होगा इसका अरेंजमेंट, चलो एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या क्या बना। अच्छा, इसके अलावा जिन दिन का अरेंजमेंट डन हो गया वो शेयर जरूर करो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, 1 से लेके 8 तक। अब देखो टॉप टू बॉटम अरेंज करना है तो टॉप टू बॉटम के लिए हमने यहाँ पे ले ली कंडीशन। अब इसके बाद जो देखो ये कंडीशन थी ना कि 2 बॉक्सेस बिटवीन सी एंड बी, सी और बी के बीच में 2 बॉक्सेस है और सी जो है वो बी के ऊपर, और सी या तो टॉप पे है या तो बॉटम पे। तो अब आप खुद समझो कि अगर हमने सी को बॉटम पे रखा तो बी तो उसके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से हम सी को यहां पे रख देंगे, कहां पे, ऊपर टॉप पे, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, बॉटम से तो वो गड़बड़ा जाएगा। अब सी को यहां रखने के साथ ही 2 बॉक्सेस के गैप पे 4th पोजीशन पे बी आ गया। तो फर्स्ट पे सी और फोर्थ पे बी, सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट अभी बचा हुआ है, छोड़। एफ रेड कलर का है, टी शर्ट है उसमें। ठीक है, 3 बॉक्सेस केप्ट बिटवीन कोट और येलो। कोट और येलो के बीच में 3 बॉक्सेस है, ये ध्यान रखना, 1, 2, 3। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि येलो यहाँ तो 1, 2, 3 और ये हो जाए कोट। ठीक है, ये दोनों पॉसिबिलिटी है, इसको साइड में रखें। बॉक्स जी पिंक कलर का है और ट्राउजर है। ठीक है, डी इज केप्ट एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड एफ। अब डी जो है वो बी और एफ के ठीक बीच में। तो देखो दो कंडीशन बनती है, दो कंडीशन ऐसी बनती है कि या तो आप डी को रखो कहा, डी इज केप्ट एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड एफ, तो डी को रखा हमने थर्ड में, एफ को रखा सेकेंड में। और एक पॉसिबिलिटी बनती है कि हमने डी को रखा 5th पे ऑफकोर्स, और उसके बाद एफ को अगर हम रखें तो उसको हम रख दें कहाँ पे, 6th पे। ये दोनों पॉसिबिलिटी बनती है तो दोनों पॉसिबिलिटी रखो। अरेंजमेंट शेयर करना शुरू भी कर दिया है स्टूडेंट्स ने, लेकिन इसके बाद जरा इसके जो कंटेंट है उसको भी शेयर करना। ठीक है, अब दोनों पॉसिबिलिटी ले तो ली हमने, अब आगे देखें क्या है। शुरुआत में ही कहीं पे ये कंडीशन थी एफ के साथ 6, उसको रखना दिमाग। आगे बढ़े, ए जो है ब्लैक कलर का, ठीक है। ई का सिल्वर और येलो नहीं है, ठीक है। जी में पिंक कलर का ट्राउजर कंटेंट है, ये भी ठीक हो गया। अब इसके बाद आपसे अगर बोला जा रहा है तो ये समझो कि कहां से मैटर आता है। 1 बॉक्स केप्ट बिटवीन जैकेट एंड एफ,
अब जैकेट और एफ के बीच में एक बॉक्स है, ठीक है। एफ अगर यहाँ है तो जैकेट कहीं ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, या यहाँ है तो उसके तरफ। अब आगे देखो तो सी विच कंटेन्स कुर्ता। अब सी का कलर नहीं पता, लेकिन ये पता चल गया कि सी के बॉक्स में कुर्ता कंटेंट है, ठीक। बी इज व्हाइट कलर विच कंटेन्स टू। अब थ्री बॉक्सेस बिटवीन ए एंड सी, इससे हमारी पोजीशन एफ की और डी की फिक्स हो जाएगी। ए जी के ऊपर ही है कहीं पे, 1 2 3 इसके हिसाब से। अब आप देखो, अगर आपने डी को यहाँ रखा, एफ को यहाँ रखा, तो बी यहाँ ऑलरेडी है, तो क्या आप ए और जी को यहाँ सेटल कर सकते हो? ये तीन पोजीशंस नहीं बन पा रही, और जब ये तीन पोजीशंस नहीं बन पा रही, इसीलिए हमारा ये पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाएगा, जिसके चलते आपका बी डी एफ का पोजीशन यहाँ फिक्स हो जाएगा, और जिसमें कि थ्री बॉक्सेस के गैप के साथ ए को यहाँ आप रख दोगे और जी को यहाँ आप रख दोगे एफ के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है आपका बचा हुआ सारा पोजीशन कंटेंट, और अब कलर रखते जाओ, ठीक है। ए का ब्लैक कलर है, ये पता चल गया कि ए का ब्लैक कलर हो गया। जी के साथ भी कंडीशन क्लियर थी कि जी का पिंक कलर है जो ट्राउजर कंटेंट करता है, तो जी का पिंक हो गया और उसके साथ उसका ट्राउजर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद डी के लिए भी हमें कुछ दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है कि डी जो है वो व्हाइट कलर का है, तो ये व्हाइट कलर का हो गया। अब आगे अगर आप देखो तो सी का, ए का, डी का, जी का कुछ ना कुछ डेटा है। एफ का कंप्लीट डेटा है कि एफ रेड कलर और रेड के साथ उसमें आ गया टी शर्ट, ठीक। अब बात, अब जो बचे अब उनको हम सेट करें। बॉक्स ए इज कैप्ट अबव टू जी, इज सैटिस्फाइड। सिल्वर कलर वाला जो है वो शॉर्ट रखने वाले के नेबर में, सिल्वर जो है वो शॉर्ट कंटेन करने वाले के नेबर में है, मतलब साइड में, साइड में है या ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। कलर की पॉसिबिलिटी आ रही है पर्पल और ब्लू की, तो चलो उसको भी अभी हम चेक कर लेंगे, बिल्कुल। तो आगे देखें, 2 मिनट थे, बिल्कुल रमन आपके पास 2 ही मिनट थे, बाकी जो पॉसिबिलिटीज कैंसिल होती जाएंगी उनको आप रखते जाओगे। अब आपके पास एच बचा है, आपके पास ई बचा है। कोट और येलो, कोट और येलो की पॉसिबिलिटी अगर हम चेकआउट करें तो कोट और येलो की पॉसिबिलिटी समवे अराउंड यहाँ बन सकती। अब शर्ट का सिल्वर नेबर अगर बनाना है तो यहाँ पे अगर आप सिल्वर रखोगे तो शर्ट कहाँ रखोगे, तो इसी वजह से हम यहाँ पे सिल्वर नहीं रख सकते। वही चीज अगर आप देखो, यहाँ पे अगर हम सिल्वर रखे तो यहाँ पे हम शर्ट रख सकते, लेकिन अब ये भी कंडीशन है कहीं पे कि सी के साथ और कोट के साथ सारी चीजों को मैच करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बात ये बिल्कुल क्लियर हो सकती है, वो क्लियर ये हो सकती है कि सिल्वर बी पे आपका जगह बना सकता है, लेकिन अब उसमें एक कंसर्न ये आ गया कि फिर कोट और येलो की प्रोबेबिलिटी फंस जाएगी, और इसी वजह से सेकंड के साथ हम यहाँ पे रख सकते हैं कलर सिल्वर अपने आप में ही, क्योंकि अब ये किसी की पॉसिबिलिटी को ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है। तो सिल्वर को रखा हमने यहाँ, और फिर सिल्वर को किसके नेबर पे रखना था, शॉर्ट के, तो शॉर्ट हो गया यहाँ, क्लियर। अब ई का सिल्वर नहीं है तो ई का बचा हुआ यहाँ जगह, और ये हो गया एच। येलो और कोट की बात हो रही है तो ई का येलो भी नहीं है तो बी का कलर हो जाएगा येलो, और यहाँ पे जो इसका कंटेंट हो जाएगा वो हो जाएगा कोट, ठीक है। इतना सब हो गया। अब इतना सब होने के बाद कलर्स बच गए, कलर्स बच गए हैं बिल्कुल। अब डी के पास व्हाइट कलर था और सूट था, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो ये हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया, ठीक है। एच और ई की पॉसिबिलिटी अगर आप बनाओगे तो फिर सिल्वर की भी बनानी पड़ेगी, ठीक है। ऑप्शन वाइज एलिमिनेट करके ही सॉल्व हो पाता, ऐसा नहीं है। आपके पास जो अरेंजमेंट बन रहा है वो यहाँ पे फिक्स इस तरीके से आ भी रहा है, ठीक है। संचित का बन गया, लेकिन दिमाग का घोंसला घोंसला कुछ नहीं होता, देखो बस ये है कि ट्राई 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 एंड ओनली ट्राई, ठीक है। ओके, बाकी देखते हैं यहाँ पे जो बचे हुए कंटेंट है। अब देखो, पैंट बचा है, और उसके अलावा क्या बचा है आपके पास, जैकेट बचा है। तो अगर आप देखो तो जैकेट की एक कंडीशन एफ के कंसर्न में दी हुई थी कि एफ और जैकेट के बीच में एक गैप है, तो जैकेट यहाँ, तो रिमेनिंग आ गया बचा हुआ पैंट यहाँ, ठीक। इतना हो गया। अब पर्पल और ब्लू, पर्पल और ब्लू की पॉसिबिलिटी बिल्कुल बिल्कुल है, लेकिन क्वेश्चन में कहीं भी
कहीं भी ये समझ लेना कि बाकी और भी पॉसिबिलिटीज नहीं बन रही है। क्वेश्चन अच्छा था, कुछ लोगों को बना, कुछ लोगों को नहीं बना, कुछ लोगों का गड़बड़ हुआ। ठीक है, रश्मि दास को 7 मिनट लगे, देवोजीत को 3 मिनट लगे हैं, और एक स्टूडेंट का स्क्रोल हुआ था ऊपर जिसको 2.5 मिनट लग रहे थे, तो वही है। साधना का भी 2 मिनट में नहीं हो पाया, और इसके बाद अगर देखें तो बाकी सभी के साथ भी यही दिक्कत आई, यही दिक्कत आई। तो देखो, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस बिल्कुल करनी पड़ेगी, और उसी के साथ फिर आगे आप प्रोसीड कर सकते हैं जब कंफर्म हो जाएगा। अब एक बार कंडीशन सारी चेक करें और देख ले कि कहीं पे पर्पल और ब्लू के साथ कोई कंडीशन ना है, तो फिर बस उनको पॉसिबल छोड़ सकते हैं और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, बट द थिंग इज कि सारी कंडीशंस को सैटिस्फाई होना जरूरी है क्वेश्चन में जो भी दिया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी कंडीशन कहीं भी क्लैश करेगी तो प्रॉब्लम है ही, ऑफ कोर्स है। सो लेट्स सी, एक बार कंडीशन सारी, एफ का रेड कलर हो गया, ठीक है, और टी शर्ट आ गया उसमें, ये भी ठीक हो गया। फिर टू बॉक्सेस सी और बी के बीच में हो गए, सी इज केप्ट अबव बी, ये भी सही हो गया। थ्री बॉक्सेस केप्ट बिटवीन कोट एंड येलो, ये भी सेटिस्फाइड हो गया। फिर बॉक्स डी पिंक कलर का है, ट्राउजर हो गया। डी इज केप्ट एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड एफ, ये भी सही हो गया। ए इज ब्लैक कलर, ये भी सही हो गया। ई का सिल्वर नहीं है, येलो नहीं है, ये भी सेटिस्फाई हो गया। वन बॉक्स केप्ट बिटवीन विच कंटेन जैकेट एफ, ये भी सही हो गया। फिर उसके बाद डी का व्हाइट कलर सूट हो गया। थ्री बॉक्सेस केप्ट बिटवीन ए एंड बॉक्स जी, ये भी सही हो गया, और ए इज केप्ट अबव जी हो गया। तो बच गया हमारा पर्पल और ब्लू, तो पर्पल और ब्लू को आप यहाँ पे बिल्कुल ले सकते हैं पॉसिबिलिटी में कि वो कहीं पे भी ई के साथ या तो फिर सी के साथ आ सकता है। ठीक है, तो ये 3 मिनट में बना बट रॉन्ग हो गया। अलका का कहना ये है टाइम टेकिंग क्वेश्चन था बट क्वेश्चन अच्छा था। ठीक है, पजल्स का अलग से क्वेश्चन बिल्कुल होगा भी, आगे भी होगा, पर अभी हाल फिलहाल एक क्वेश्चन की तरफ और बढ़ा जाए जल्दी से। हियर यू गो, वन मोर अरेंजमेंट, 2 मिनट्स का टाइम, ट्राई इट प्लीज। लास्ट 10 सेकेंड्स, एंड यस, टाइम अप, टाइम अप, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, लाइन नंबर 9 कंफ्यूज कर रही है, क्योंकि लाइन नंबर 9 में लिखा हुआ है हाइट के बारे में। हाइट कहाँ से आ गई अब यहाँ बीच में, क्यों नहीं आ सकती, क्यों नहीं आ सकती? क्वेश्चन है मेंस में, इस तरीके के ट्रिकी क्वेश्चन बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, जहां पे डेटा कंटेंट आपको कंप्लीट दिया हो या इनकम्प्लीट दिया, कुछ भी दिया जा सकता है, बस ये ध्यान रखो। ठीक है, तो चलो करते हैं क्वेश्चन को डिस्कस और फिर देखते हैं इसका अरेंजमेंट क्या बनेगा।
हाफ डन हुआ है पूनम का, बाकी 2 मिनट और चाहिए हैं। सविता का डन हो गया है पर थोड़ा सा गड़बड़ है। अच्छा ओके, पृथ्वी के लोग अरेंज हो गए हैं मंडे ट्यूसडे और फ्राइडे में। ओके वेरी नाइस, तो चलो ट्राई करते जाते हैं साइड बाय साइड और फिर देखते हैं कि कहाँ पे अरेंजमेंट बन रहा है कहाँ नहीं। देखो 3 दिन है हमारे पास, मंडे है, मंडे के बाद ट्यूसडे है और ट्यूसडे के बाद में फिर फ्राइडे, ठीक है। अब कंडीशन इनके साथ ड्रामास को भी कनेक्ट कर रही है और इनके हाइट्स को भी कनेक्ट कर रही है, ठीक है। अब जो पहली कंडीशन है जिससे हम फिक्स कर देते हैं कि एफ विल परफॉर्म ओनली विथ जी ऑन मंडे, तो एफ आ गया जी के साथ ओनली ऑन मंडे एंड इट्स ड्रामा इज हॉरर, तो एफ का ड्रामा जो है वो हॉरर फिक्स हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखें, सी हाइट इज मोर देन जी, अब सी की हाइट जी से ज्यादा है, ठीक है। नेहा का बन गया है, राजलक्ष्मी का भी बन गया है, वेरी नाइस। सी की हाइट जी से ज्यादा है, अब इसको साइड में रख, सी की हाइट जी से ज्यादा है पर एफ से कम है, ओके। ये एक पॉसिबिलिटी बनी आपकी। परफॉर्मेंस ऑफ कॉमेडी इज नॉट प्लान्ड ऑन फ्राइडे, तो फ्राइडे को कॉमेडी नहीं आएगा, ठीक है। और रोमांटिक की परफॉर्मेंस मंडे को नहीं है, ठीक है। तो कॉमेडी आपका फ्राइडे नहीं आएगा, कीप इट इन माइंड, और रोमांटिक आपका मंडे नहीं आएगा, ये ध्यान रखें, ठीक है। आगे बोला है कि ई विल परफॉर्म ऑन फ्राइडे एंड इट्स ड्रामा इज सस्पेंस, ई विल परफॉर्म ऑन फ्राइडे और उसका जो ड्रामा है वो हो गया क्या, सस्पेंस, ठीक है। एंड डी विल परफॉर्म ऑन द सेम डे ऑन विच ई विल परफॉर्म, तो ई के साथ डी आ गया। अब सी एंड डी भी सेम डे है तो सी भी यहीं आ गया और सी का ड्रामा जो है वो हो गया एक्शन, तो हमें ई का पता चल गया, सी का पता चल गया। फ्राइडे में कॉमेडी नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। बचे हुए जो कैरेक्टर्स दो हैं ए और बी वो यही आएंगे ट्यूजडे में, ठीक है। अब अगला एक यहाँ पे कंडीशन और दिख रहा है हमें कि जी की हाइट इज मोर देन ए बट लेस देन बी, सेकेंड पॉसिबिलिटी से जी की हाइट इज मोर देन ए बट लेस देन बी, ठीक है। अब बी का ड्रामा इज थ्रिलर, बी का ड्रामा क्या है, थ्रिलर, तो यहाँ पे थ्रिलर आ गया। एंड इट्स हाइट इज लेस देन ओनली डी इज हाइट, अब उसकी हाइट जो है वो सिर्फ डी से कम है, तो अगर हम यहाँ पे हाइट को अरेंज करें तो डी से कम बी आ जाएगा, ठीक है। 7 persons हैं, 7 persons में डी और बी का फिक्स हो गया यहाँ पे। अब उसके बाद आगे देखो, तो जो बचे हुए ड्रामा और एक्शन है उनको हम रख लेते हैं। कॉमेडी फ्राइडे को नहीं था और रोमांटिक मंडे को नहीं था, ठीक है। डी का अभी मिसिंग है तो डी का हम देखें कि यहाँ पे क्या आ सकता है, ऑफ कोर्स ये देखना पड़ेगा, बिल्कुल देखना पड़ेगा, और सभी को पॉसिबिलिटीज बनाने के साथ साथ सभी को रखना पड़ेगा। एफ और जी मंडे है ये ध्यान रखो, रोमांस और कॉमेडी में पॉसिबिलिटी लग रही है, अक्षय का कहना है। एक ही हाइट, एक की ई की हाइट कंफर्म नहीं है, बिल्कुल ई की हाइट कंफर्म नहीं है पृथ्वी, बात सही है। अभी हाइट वाला जो डायग्राम है वो तो पूरा ही पॉसिबिलिटी में बनेगा, ठीक है। एक बार देखें कहाँ पे क्या चीज बच गया और छूट गया। परफॉर्मेंस ऑफ कॉमेडी फ्राइडे को नहीं होगी तो वो ट्यूसडे हो सकती है, ठीक। फिर इसके बाद परफॉर्मेंस ऑफ रोमांटिक मंडे को प्लान नहीं होगी तो वो भी ट्यूसडे हो सकती है। अब पॉसिबिलिटी है कॉमेडी में और इंस्पिरेशन में, ठीक है। आगे देखें, ई विल परफॉर्म ऑन फ्राइडे और उसका ड्रामा सस्पेंस हो गया, डी विल परफॉर्म ऑन द सेम डे, जी की हाइट मोर देन ए ने है, सी और डी जो है वो सेम डे, तो अब जो बच गया उसको आप रखो। फ्राइडे को कॉमेडी नहीं आ सकता पर ट्यूसडे को आ सकता है। अच्छा, कॉमेडी के साथ साथ ये ध्यान रखना कि यहाँ पे रोमांटिक भी आ सकता है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे इंस्पिरेशनल इंस्पिरेशनल भी आ सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे इंस्पिरेशनल आएगा तो फिर कॉमेडी जी के साथ चला जाएगा, रोमांटिक जा नहीं सकता तो इंस्पिरेशनल यहाँ पे बच जाएगा जी के साथ पॉसिबिलिटी में, ठीक है। फिर देखें आगे, तो ई के डी के साथ बचा हुआ है, कॉमेडी नहीं आएगा पर यहाँ पे रोमांटिक आ सकता है, और रोमांटिक के अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका इंस्पिरेशनल भी आ सकता है, मतलब वाइस वर्सा चलेगा। अब यहाँ पे कहीं पे क्लियर किया गया है तो ओके। अब कंडीशन जो थी, बट देयर इज नॉट लेस देन टू एंड मोर देन थ्री परफॉर्मिंग ऑन द सेम डे, ठीक है, ये हो गया।
के साथ, पॉसिबिलिटीज के साथ लेके चलो और तभी सारा अरेंजमेंट क्लियर होगा। ड्रामा में भी थ्री पॉसिबिलिटीज बनेंगी, ड्रामा में थ्री पॉसिबिलिटीज, हाँ बिल्कुल बनी है। देखो ड्रामा में पॉसिबिलिटी बनी है। डी का हमने इंस्पिरेशनल और रोमांटिक दोनों रखा है, ए का कॉमेडी रोमांटिक इंस्पिरेशनल, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कोई भी कहीं भी हो सकता है। अब इसके अलावा जी की बात करें तो कॉमेडी और इंस्पिरेशनल, तो बस इसी तरीके से आपको यहाँ पॉसिबिलिटी रखते चलना है, ठीक है। अब आगे आगे जो हाइट्स का बचा, सिर्फ डी और बी का, डी और बी का बचा, ठीक है। डी और बी का कंफर्म है हाइट, बाकी किसी का कंफर्म नहीं। पर हमें ये पता है कि एफ सी से ज्यादा है और सी जी, तो बाकी की सारी चीजें आपकी पॉसिबिलिटी में ही जाएंगी। और ई के बारे में तो कुछ पता नहीं है, और ऐसे क्वेश्चंस को बंच से सॉल्व किया जाता है। कैसे सॉल्व किया जाता है? बंच से, मतलब जो कि आपका अरेंजमेंट होता है उस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग आप सारा अरेंजमेंट करते हो। क्योंकि देखो एफ के साथ यहाँ ई भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा सी के साथ यहाँ ई हो सकता है, और अगर ई यहाँ हुआ तो एफ की पॉसिबिलिटी भी बन सकती है, ठीक है। फिर इसके बाद एक बात और आ जाती है यहाँ पे कि जी तो है ही, पर जी के साथ यहाँ पे ई बिल्कुल हो सकता है और सी, क्योंकि अगर एफ यहाँ होगा तो सी यहाँ हो जाएगा, तो पॉसिबिलिटी तो रहेगी ही रहेगी ऑफकोर्स। और उसके बाद आगे अगर हम बढ़े तो ए, जी के बाद ए, लेकिन ए के साथ यहाँ ई भी हो सकता है और ई के साथ यहाँ जी भी हो सकता है, क्योंकि अगर आपने एफ को यहाँ रखा तो सी यहाँ और जी यहाँ इस तरीके से जाए, ठीक है। और लास्टली आपका ई और ए, 1 2 3 4 5 6 7 पोजीशंस में हाइट की पॉसिबिलिटी होगी ही होगी। तो इसको जब बंच में क्वेश्चन पूछा जाए तब उसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया जाए, बट यस मेंस में इस तरीके के क्वेश्चंस आप बिल्कुल अज्यूम कर सकते हैं। तो चलो आज के सेशन को हम जरा यहीं पे खत्म करेंगे ऑफ कोर्स, और जरा आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे जरूर कि बना करते नहीं बने। पीडीएफ जब मिल जाएगा तो इन क्वेश्चंस को दोबारा से सॉल्व करना, और फिर देखना कि आप कहाँ पे क्या क्या गलतियां कर रहे थे क्या नहीं। गौरवी का एक सिलॉक का क्वेश्चन गलत हुआ है, बाकी सब बन गया। वेरी नाइस वेरी नाइस। तो बाकी स्टूडेंट भी कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर कार्ड जरूर शेयर करें और बताएं कि ये सेशंस आपके लिए इफेक्टिव हैं, बेनिफिटेड हैं या नहीं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें। हम मिलेंगे आपसे मंडे को विद सम मोर क्वेश्चन, सम मोर प्रैक्टिस सेशन। एंड यस आज 2 बजे सिलॉक का एक और क्लास है, जिसमें कोडेड फॉर्मेट के कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो कि और नए तरीके से बन सकते हैं, राइट। तो सी यू ऑल इन द RRB Class 2, और नहीं तो फिर मंडे को 10 बजे मुलाकात आप सभी से होगी। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, टेक रेस्ट, एंड यस डू नॉट फॉरगेट योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू सो मच।